अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये मैं बना रही हूँ ट्राउज़र का डिज़ाइन। तो ये ट्राउज़र के डिज़ाइन जो है, इसके ऊपर हमने लगाया है इसी की शर्ट का बॉर्डर जो इसके साथ निकला था। और ये हमारा ट्राउज़र कटिंग हुआ हुआ है। और इसकी ये हमारी जो हमने इसके अंदर डिज़ाइनिंग करनी है, वो ये पीसीस हमने इसके कटिंग करे हुए थे प्रिंटेड बॉर्डर के। और इसको इस तरीके से हम इसको तिकोन बनाएंगे, और बनाने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे सारे पीसीस के ऊपर। तो इस तरह से ये हमने सारे पीसीस इसके हमने सिलाई कर लेने हैं। ये देखें, इस तरह से ये हमने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको सारे पीसीस को हमने इस तरह से ये बना लेना है। बनाने के बाद ये सारे पीस हम इसके तैयार करके रख लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने सारे पीसेस बनाया, और जो भी एक्स्ट्रा इसके अंदर कपड़ा आ रहा था उस सबको हमने कटिंग कर दिया। और ये सारे पीसेस की हमने सेटिंग कर ली, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा था उसकी कटिंग कर दी। और जो हमें इसको फोल्ड करना है, वो हमने इसी के अंदर बढ़ाया हुआ है कपड़ा। और ये देखें, ये जो हमने कपड़ा बढ़ाया हुआ था 3 इंच का फोल्ड करने का मोरियों के पास, इसकी जितनी भी हमने कटिंग एक्स्ट्रा बढ़ाई थी उसको हमने कट करके अलहदा निकाल लिया। अब उसके बाद हमने ये जो पीसेस बनाए थे तिकोन, ये इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरीके का ये हमारा कटवर्क वाला डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो जहाँ पे हमने इसकी मोरियाँ फोल्ड करनी थी, वहाँ पर इसका ये डिज़ाइनिंग की जो हमने कटिंग करी हुई थी, वो हमने इसको यहाँ पर लगानी थी। तो इस तरह से ये हम सारे इसके पीसेस इधर लगा देंगे। और जो इसको फोल्ड करने की जगह थी उसको हमने कटिंग कर लिया था। उसके बाद हमने ये सारे पीसेस इसके साथ ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से ये हमने इसके सारे पीसेस को इसके साथ ज्वाइंट करना है। और उसके बाद जो हमने इसकी कटिंग निकाली हुई थी, वो कटिंग इसके ऊपर हमने दोबारा लगा देना है। तो इस तरह से ये हमने इसकी जो कटिंग निकाली थी मोरियम फोल्ड करने की जो थी, वो हमने इसको वापसी लगाना है। और वो जो हमने डिज़ाइनिंग बनाई थी, वो हमारी अंदर ही दब जाएगी। और इस तरह से ये हमने इसको बनाया। ये देखें, ये इसके सारे जो कटवर्क की डिज़ाइनिंग थी, ये सारी बाहर को आ गई, और बाकी जो है हमारा कपड़ा अंदर चले गया, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब जो हमारी ये बॉर्डर की लाइनिंग थी प्रिंटेड में, तो ये अच्छी लग रही थी, तो इसको हमने इस तरह से इसके पैंचों के ऊपर लगा दिया। तो ये देखें कि हमने जो मोरियाँ मुड़ी हुई थी, वो इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद ये देखें, इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और जो हमने इसके ऊपर जो लगानी थी, ये देखें, इस तरह से जो हमने इसके बॉर्डर निकाले हुए थे, वो बॉर्डर के ऊपर हम करेंगे सिलाई। ये प्रिंट वाले जो बॉर्डर हमने इसके निकाले हुए थे, इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखें, इस तरह से ये हमने इसकी जो प्रिंट की पट्टियाँ थीं, इन पट्टियों को हम इस तरह से इसके साथ सिलाई कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से ये हमने इसके ऊपर लगाया है। और नीचे हमने इसके कटवर्क का डिज़ाइन बनाया है। सिंपल सा ये डिज़ाइन है, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखें, इस तरह से हमने इसके डिज़ाइन करा है। और फिर इसके ऊपर दूसरी पट्टी भी हमने लगानी है। ये देखें, और इसकी दूसरी पट्टी भी हम इसके ऊपर ज्वाइंट कर देंगे। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और ये देख सकते हैं, ये इस तरह से ये हमने इसकी दूसरी पट्टी भी इसके ऊपर लगा दी। तो ये लगने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा वॉच किया करें। और जो न्यू हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ये देखें, इस तरह से ये मैंने वीडियो अपनी ये ट्राउज़र का डिज़ाइनिंग तैयार कर ली है, और इसके ऊपर दूसरी सिलाई भी लगा ली है। तो अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और ये हमारा डिज़ाइनिंग हो गई है तैयार। अब इसके हम फाइनल कर लेंगे, इसको हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमारा ट्राउज़र हो जाएगा तैयार। ये देखें, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।